हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिंपल तरीके से ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। चलिए बनाते हैं। ये हमने धनिया ले लिया है बारीक कटा, ये हमने हरी मिर्च ले लिया है, और ये हमने ब्रेड्स ले लिए। ये हमने बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए हमने प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक अब हम इसमें मिलाई लिए हम होममेड और अब इस होममेड मलाई में हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसमें बारीक कटा हुआ हम टमाटर डालेंगे, इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे, आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं। बारीक कटा हुआ हमने धनिया डाल रहे हैं इसके अंदर, आप कोई और भी सब्जियां डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये हम बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम काली मिर्च डालेंगे, हमने आधे से कम चम्मच काली मिर्च डाली है, हम थोड़ा सा काली मिर्च और डाल देंगे। और इसके अंदर अब हम नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें डाल सकते हैं, जैसा आप नमक खाते हैं तेज या कम। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, जिससे कि इसमें सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। देखिए हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सब्ज़ियाँ इसमें हम मिक्स कर लेंगे, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो रही है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमने, और उसके बाद हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे, ये हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसे ब्रेड्स पे अप्लाई करेंगे, अब ब्रेड पे अच्छी तरह से इसको लगा लेंगे, इसे अच्छी तरह फैला के लगाएं फ्रेंड्स, जिससे कि इसकी हर बाइट में आपके मुँह पर ये सब्जियों का टेस्ट आए। ये देखिए हमने इसे में लगा लिया है, अब सारी ब्रेड पे ऐसे ही इसको हम लगा लेंगे, अच्छी तरह से इसको सारी सब्जियों को और सबको इसको फैला के लगा लें। सारे ब्रेड्स पे हम ऐसे ही इसको लगाएंगे और फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है और बहुत जल्दी से बन जाता है, इसको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। ये देखिए हमने सारे ब्रेड्स पे लगा लिया है, अब हम इस पर सेकेंगे। और मैंने इसमें ऑयल का और घी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी होता है, इसलिए हम इसे ऐसे ही सेकेंगे और ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी ब्रेड हो जाएगी। और इसे हम बहुत ज़्यादा मतलब सेकेंगे नहीं, बस इसे ऐसे ही हम लाइट ब्राउन करके ही रखेंगे। हमने इसे लाइट ब्राउन कर दिया, ये देखिए हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये हमारी प्लेटिंग हो गई है और हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड।